नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर जिसका नाम है परीक्षिता एकेडमी। और आज हम बात करेंगे बुक रिव्यू के बारे में। जो बुक्स लवर हैं उनके लिए ये वाला वीडियो हेल्पफुल रहेगा। लेकिन उसके पहले हम आगे बढ़े, आपको बता दें स्पेशली बुक जो है लॉ स्टूडेंट्स के लिए है, जो जुडिशरी फील्ड में जाना चाहते हैं, जज वगैरह की तैयारी कर रहे हैं, LLB का फॉर्म भरा हुआ है, या जो 5 ईयर का लॉ का प्रोग्राम होता है उसमें अपीयर हो रहे हैं, उसमें एक सब्जेक्ट होता है कॉन्ट्रैक्ट, तो ये उसके रिगार्डिंग बुक है। तो बुक के बारे में हम डिस्कस करते हैं, सारी इंपॉर्टेंट बातें जानेंगे, क्या जानना चाहिए बुक खरीदने से पहले हमें उस बुक के बारे में। लेकिन उसके पहले आपसे कहना चाहेंगे कि अगर आप हमारे इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो आज ही हमारे चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक शेयर ज़रूर करें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं संविदा वन एवं विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम के बारे में, जिसे हम कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट लॉ या कॉन्ट्रैक्ट वन, राइट। तो इसकी जो राइटर है वो है डॉक्टर SK कपूर। यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि लॉ से संबंधित है और इसका जो पब्लिकेशन है वो है सेंट्रल लॉ एजेंसी, सेंट्रल लॉ एजेंसी पब्लिकेशन की बुक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, बुक के बाद के बारे में विशेष बात करें तो ये इसका 18वां एडिशन है, लेटेस्ट भी हम लेकर आए हैं। और जो 2021 का इसका जो है पब्लिशन बता रहे हैं, लेटेस्ट नया मुद्रण। इसकी कीमत की बात करें तो 370 रुपीज़ की है, हमें 20% डिस्काउंट पर मिली, तो आप समझ सकते हैं लगभग 74 रुपीज़ के कंपेयर में हमें कम देने पड़े, ठीक है, 20% डिस्काउंट इसका होता है। तो इस प्रकार आपको हो सकता है इससे कम या ज़्यादा में थोड़ा मिल जाए, तो आपको आई थिंक ये बातें इंपॉर्टेंट रहेगी जानना। अब आगे हमारे लिए इंपॉर्टेंट है इंडेक्स। अगर आप बुक लेना चाहते हैं तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि उसमें कौन कौन से टॉपिक दे रखे हैं, ठीक है। फर्स्ट प्राइस की बात हो गई, अब हम इसके पॉइंट की बात करते हैं, इंडेक्स की बात करते हैं। तो पहला इसमें अध्याय है प्रारंभिक, जिसमें जनरल सी चीज़ें दे रखी है, कॉन्ट्रैक्ट के बारे में समझाया है किस प्रकार से उसका कानून में लॉ में इंपॉर्टेंस है वो वाली बातें बताई है। सेकंड में है प्रस्ताव या प्रपोजल के बारे में बात करी है, और यहाँ से इन पॉइंट से समझ सकते हैं कि किसके बारे में अंदर विवरण दिया होगा। अध्याय 3 की बात करें तो स्वीकृति के बारे में यहाँ पर बात की गई है, और इस प्रकार से इसके भी हम पॉइंट देख सकते हैं। अध्याय 4 में जो है प्रतिफल दे रखा है, ये इस प्रकार से, और अध्याय 5 में उद्देश्य की वैधता यहाँ पर दे रखी है। अध्याय 6 में बात करी हुई है संविदा करने की क्षमता या कैपेसिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, तो इसके बारे में सब कुछ यहाँ पर बताया गया है। और अध्याय 7 में सम्मति के बारे में बात की हुई है, तो ये हम देख सकते हैं इसके सारे कंटेंट। अगर आप रुक के देखना चाहें तो वीडियो पॉज करके बाकायदा देख सकते हैं। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट पे, तो अध्याय 8 की बात करते हैं। तो अध्याय ये 7 का भी बाकी वाला पार्ट है। अध्याय 8 की बात करें तो शून्य करार के बारे में दे रखा है। अध्याय 9 में समाश्रित संविदाएं दे रखा है। अध्याय 10 में संविदाओं का पालन के ऊपर बात की हुई है। अध्याय 11 में संविदाओं का उन्मोचन की बात की गई है। ये इस प्रकार से अध्याय 12 की अगर हम बात करें तो संविदा सदस्य संविदा द्वारा सृजित संबंधों के सदस्य कतिपय संबंध की चर्चा की गई है। अध्याय 13 में संविदा के उल्लंघन के लिए उपचार की यहाँ पर बात की गई है, रेमेडीज फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, क्या इसके बारे में सब कुछ है। तो इस प्रकार से टोटल 13 अध्याय यहाँ पर दे रखे हैं। फिर इसमें लीडिंग केसेस दे रखे हैं जो इस टॉपिक से संबंधित है, तो यहाँ पर इन केसेस के बारे में जो है डिस्कशन किया हुआ है। तो कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो टोटल जो है 242 इसके पेजेस होंगे, लास्ट में 365, ओके, टोटल 365 इसके पेज है। पेज की क्वालिटी की अगर हम बात करें तो मीडियम ही है, बाइंडिंग जो है थ्रेड में है दे रखी है, ठीक है, तो काफ़ी केयरफुल तरीके से हमें इसे पढ़ना होगा। अगर अब फोर्थ कंटेंट में हम बात करें रिस्पेक्ट में, तो हमें बात करना है इसकी लैंग्वेज की। अच्छा हाँ, पीछे भी इसमें काफ़ी कुछ दे रखा है, इसीलिए वो पेज 300 से ऊपर हुए थे। तो ये विषय सूची फिर से आप देख सकते हैं इस प्रकार से, ठीक है, तो ये यहाँ तक इसके पेजेस हुए थे।
चलिए, अब इसकी लैंग्वेज भी वैसे जो है काफ़ी सिंपल है, जनरली सबसे सिंपल लैंग्वेज वाली ही लेके आए हैं, क्योंकि जो इस फील्ड से रिलेटेड नहीं होते उन्हें इसकी भाषा समझना काफ़ी कठिन होता है। तो यहाँ पर इसकी लैंग्वेज हम देख सकते हैं, लैंग्वेज काफ़ी सिंपल है। नोट्स बनाने की आवश्यकता नहीं है, हम बुक्स में से ही टिक करके पढ़ सकते हैं। तो इस प्रकार से पूरी बुक मिल जाएंगी। तो आई होप ये वाला वीडियो आपके लिए हेल्पफुल साबित रहेगा, बुक परचेज करना है कि नहीं डिसीजन मेकिंग में मदद करेगा। सो फ्रेंड्स, अगर आप भी हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब अवर चैनल, लाइक शेयर कमेंट। हैव अ नाइस डे एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।